અને એનઆરસી કાયદાના વિરોધમાં કલેક્ટર કચેરીએ મુસ્લિમ દલિત એકતા સમિતિ દ્વારા ધરણા પ્રદર્શન। મોરબીમાં મુસ્લિમ અને દલિત સમાજે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી CAA એનઆરસી કાયદા દૂર કરવાની માંગ કરી। મોરબીની કલેક્ટર કચેરી ખાતે આજે મુસ્લિમ અને દલિત સમાજ દ્વારા CAA અને એનઆરસી કાયદાના વિરોધમાં ધરણા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। મુસ્લિમ સમાજ અને દલિત સમાજે ધરણા કરીને જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી બંને કાયદા દૂર કરવાની માંગ કરી હતી। CAA અને એનઆરસી કાયદાનો દેશમાં ઘણા રાજ્યોમાં ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે મોરબીમાં CAA અને એનઆરસીના કાયદાના વિરોધમાં મુસ્લિમ અને દલિત સમાજ દ્વારા બહોળી સંખ્યામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોરબીની કલેક્ટર કચેરી સામે આજે મુસ્લિમ દલિત એકતા સમિતિના બેનર હેઠળ ધરણા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને બાદમાં જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને બંને કાયદા દૂર કરવાની માંગ કરાઈ હતી। બોલી અને મારી સ્પીચનું એન્ડ કરી શરૂઆત કરીશ। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कितना रंगा बिल्ला में है। बराबर आ देश में काळो कायदो लावनार CAA NRC अने NPR विरुद्ध में अमे मुस्लिम अने दलित समाज समितिए 29 तारीखना जे देश भारत बंधना एलान में संपूर्ण समर्थन आपता अमे आ लोग अमे सपोर्ट करीए छीए अने अमारा सुन्नी मुस्लिम समाज अने दलित समाज भेगा मळीने आनो विरोध करीए छीए अने भारत बंधना एलानमां अमे समर्थन आपता। सरकारे भारत देशनी अंदर जे लोको भाईचाराथी रहेता हता एना माटे थईने संविधाननी अंदर संविधानना फाडिये फाडिया उडाडी अने भाईचाराने नाश करवानुं एक षडयंत्र कर्युं छे। त्यारे सरकारने रहेवानो कोई अधिकार नथी। आजे दिल्हीनी अंदर शाहीबागनी अंदर लाखों महिलाओं बुजुर्गों बाळकों पोते धरना पर बैठा है, त्यारे दिल्ली ने केंद्रीय गृह प्रधान मिस्टर अमित शाह जे गुजरात ना तळीपार छे तेमणे एम कीधुं के आ लोको देशद्रोही छे। भाई सरकार तमारी छे तो देशद्रोही छे ना। हक माटे लड़वुं एनो कोईना माटे अधिकार संविधानमां आपेलो छे। त्यारे केंद्रनी ऊंगती सरकार हिटलरवादी सरकार जे 2014 थी केन्द्र ने अंदर शासन करीने 373 बाबरी मस्जिद आवा घणा बधा इश्यू उभा करीने बांटवानुं काम करी रही है। त्यारे आने जाकारो आपवानो समय थयो छे। एक पण देशनी अंदर हिंदू मुस्लिमों मोरबीनी अंदर भाईचाराथी आजूबाजूमां रहे छे, एकबीजाना दुख दर्दमां काम आवे छे। त्यारे सरकारे मतनी राजनीति करी अने लोकोने अलग करीने पोतानुं शासन चलावવું છે। आ CAA आयो छे कायदो नागरिकता आपवानी वात करे छे, त्यारे एमां संविधानमां स्पष्ट लखेलुं छे के धर्मना आधार पर कोई पण नागरिकता आपी शकाय नहीं। आजे हिंदू मुस्लिम एकता समिति जे अहींया भेगी थई छे तेना माटे भेगी थई छे के अत्यारे जे काळो कायदो लेवामां आवे छे, जे काळा कायदाना विरोधमां जे CAA छे NRC छे जे एक एवी वस्तु छे के बधाई में चारे कोरती अतने विरोध है, विदेश में विरोध है अने एक आ भागला पाड़वानी नीति है। एटले मेहरबानी करीने आवी जे करवानी जे काम है घणा आपड़ा जे शिक्षणना जे बेरोजगारी जे आवा काम में ध्यान आपवा अने अत्यारे आ बीजा मार्गे दौरवा माटे आ बधी वस्तु थई रही है। तो खास करीने हिंदू मुस्लिम एकता समिति जे अहींया मोरबी मुस्लिम अने दलित समाज जेना विरोध में कायदाना विरोध में आज सेवा सदन सामे भेगा थया छे अने धरना प्रदर्शन करेल छे। जिला द्वारा मोरबी ना जे दलित समाज मुस्लिम समाज नी एकता समिति छे तेना द्वारा अमे अहींया जे सरकार द्वारा काळो कायदो लाववामां आव्यो छे जे CAA ए कायदाने विरुद्धमां अमे सरकारने एटलुं ज कहेवा मांगीए छीए के आ कायदाने रद्द करो। आ कायदो जो लाववामां आवशे तो देशना टुकड़ा थशे अने टुकड़ा थशे तो तानाशाही सर्जाशे अने देशमां तानाशाही न सर्जाय अने बंधारणनो पण बचाव थाय अने आ बंधारण एकदम विरुद्धमां छे। आ जे पण सरकार करी रही है ते बंधारणनी विरुद्ध में एकदम है। तो अमे बंधारण बचाओ तेमज ईवीएमना के जे ईवीएम थी आज पूरा देश में नहीं पण विश्व में पण ईवीएमनो विरोध थई रह्यो छे। कोईपण देश में आज ईवीएमनो उपयोग करता नहीं अने भारत में ज मात्र ने मात्र ईवीएमनो उपयोग थाय छे अने तेनी साथे पण छेड़खानी थाय छे। तेना प्रदर्शन वगैरह तेना विरोध में अमे अने मुस्लिम अने दलित समाज आगळ पण जो हजी आमां कोई पण कांई फेरफार नहीं करे कायदामां कोई तो हजी पण मोटा मोटा प्रोग्राम आपशे आगळ पण। हूँ आधी दाऊदभाई दलवाणी जणावुं छुं के आज रोज अमारे मोटी संख्या में मुस्लिम अने दलित भाईओ आ काळा कायदानो विरोध करवा माटे एकठा थया छे। आपणे क्यां आजादी वखते आपणे बराबर छे हिंदू मुस्लिम एकता અને દરેકે આમાં ભોગ આપ્યો છે, દલિત ભાઈઓએ પણ એટલો ભોગ આપ્યો છે અને આ નાના ભાઈ મોટા ભાઈ જેવો જે ભાઈઓ એને જુદા પડાવવાની વાત છે, આનાથી આપણને ઘણું બધું નુકસાન થશે અને વિદેશોમાં પણ હોબાળો થઈ ગયો છે આવી છે અને મુસ્લિમોમાં અને વિદેશોમાં પણ આનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે કારણ કે આમાં ભાગ પાડવાની વાત છે। દેશમાં અત્યારે ઘણા બધા આપણા પ્રશ્નો સળગી રહ્યા છે, બેકારી છે, કરોડો માણસો કિસાનોને પૂરા ભાવ મળતા નથી અને બેરોજગારી એટલી બધી ઘણી બધી છે, ફૂટી નીકળી છે, કરવા જેવા કાંઈ કામો થતા નથી અને લોકોનું ધ્યાન બીજે વાળવા માટે આવું બધું કરવામાં આવે છે।